हाँ जी बेटा, यस्टरडे वी आर डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 9.1। एक क्वेश्चन हमारा बीच में से रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5। पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उससे अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास हो गए, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, जस्ट लिसन द क्वेश्चन। हाँ जी मैडम, द क्वेश्चन इज ऑन पेज 103 जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एट वन एंड ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देयर इज अ सर्कल मेरे पास जो है एट वन एंड ऑफ द डायमीटर, दिस इज ए बी, द डायमीटर ऑफ द सर्कल एट वन एंड जो है टेंजेंट एक्स ए वाई, वी हैव ड्रॉन एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वी हैव टू फाइंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई। मुझे जो है कॉर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी डी, जो कि एक्स वाई के पैरेलल है एंड एट ए डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और ये मुझे दिया हुआ है कि ये 8 सेंटीमीटर पे है और मुझे इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया। अब बोलो बेटा क्या चाहते। बेटा सीकेंड मैंने एक्सटेंड कर दिया, अदरवाइज तो उन्होंने कॉर्ड ही कहा है, तो आप रब कर दो, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है कि मुझे कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करनी है सीडी की। हाँ जी कार्तिक बेटा, ओ ए, ओ बिल्कुल, ओ ए 5 होगा क्योंकि वो भी क्या है रेडियस है, और ओ सी भी क्या है रेडियस है, इसीलिए ये 5 है तो ये 5 है तो ये भी 5। अब ये डिस्टेंस मुझे पूरा कितना दिया हुआ है ए, तो इससे मैं इसको मार्क कर देती हूँ ओ ई, और हाँ जी नहीं बेटा यहाँ पर उसने कहा कि ए से बोला, ठीक है ना, और ऑब्वियस है वो ई तक ही होगा, तो मेरे पास ये कितना आ गया 3। अगर मैं इधर लेती हूँ ना तो दैट इज रॉन्ग, इतना तो बाहर ही आ जाएगा, और उन्होंने क्लियर कट मेंशन दिया है कि मेरे पास हाँ जी बेटा ये पूरी 8 थी, ये 5 रेडियस निकल गया, ये 3। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है कि नहीं, क्योंकि सेंटर से जब भी कोई कॉर्ड को वो हमारे पास जो है हम बाइसेक्टर मान रहे हैं, वैसे भी ये डायामीटर है तो 100% ये यहाँ पर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, उसको बाइसेक्ट करेगी ही करेगी, तो दैट मीन्स बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सी ई निकाल लेंगे और सी डी इसका क्या होगा डबल होगा, तो ऑब्वियस आंसर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके जी क्लियर। हाँ जी नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो कल हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था बेटा, आई थिंक 8th क्वेश्चन जो हमने एंगल निकाला था वो फाइंड आउट कर लिया था। ओके नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, नाइन्थ क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, लेट अस सी। इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, ये तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने कल किए थे। अगर मेरे पास एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स दिए जिनके बीच में एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और जो है मुझे कहा गया है कि ये टेंजेंट्स की लेंथ कितनी है ये कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे ज्वाइन करके 30। ये भी कल आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि ये पूरा 60 है
तो इधर 30 और 30 होगा, तो उसके बाद जो है हमें पता है ये 90 डिग्री है। हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। व्हाई वी कंसीडर दिस एज बेस? हाइपोटेन्यूज भी, चलो है ना, मेरे पास जो है बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है कि ऐसी लाइन जिसमें एंगल और 90 डिग्री दोनों आए। देखो इसी लाइन में ये 90 भी आ रहा है और ये एंगल भी आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज बेस। अब 90 के ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज और एंगल के ऑपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है। ओके जी, क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास। व्हाट दे हैव रिटन, उन्होंने कहा इन द फिगर बी ओ ए, मेरे पास जो है डायामीटर के, लेट अस राइट हियर बी ओ ए, दिस इज द डायामीटर एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट पी मीट्स बी ए। अगर मैं बी ए को एक्सटेंड करूं और टेंजेंट एट दिस पॉइंट जो है वो मीट करता है इसको टी पे, और यहां पर पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, नाउ दे राइट हियर एंगल पी बी ओ, पी बी ओ ये मेरे पास 30 डिग्री है, तो देन दे राइट हियर फाइंड एंगल जो है पी टी ए, ये एंगल कितना होगा। इसको जो बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं खुद जान बुझ के ये रिवाइज करवा रही हूँ। हाँ जी, कौन सा 90? ये वाला 90। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था अगर मैंने ये एंगल निकालना है, मुझे किसी तरह से ये एंगल पता चलता है, ये मुझे पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल मैंने कैसे निकाला था कि जो है अगर मैं एक तरह से इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दू, ये पीए कॉर्ड सेंटर पे एंगल, पीए कॉर्ड सर्कल के ऊपर एंगल कर रही है, तो दिस एंगल इज ट्वाइस द दिस एंगल। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाएं तो ये कितना हो जाएगा 30। क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, ध्यान से सुनिए, प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी हैं अब मेरे पास, क्योंकि 2-2 मार्क्स में, 3 में, 4 में प्रूफ वाले क्वेश्चंस बड़े आराम से आ सकते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज, D1 D2 जो है दे राइट D1 एंड D2 वेयर D2 इज ग्रेटर देन D1 बी द डायामीटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उसने कहा कि D1 और D2 जो है वो डायामीटर है और D2 बड़ा डायामीटर है D1 से ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, ऑब्वियस है बड़े सर्कल का डायामीटर D2 है मेरे पास और छोटे का D1 है। अब उन्होंने कहा है कि मेरे पास द सी बीटा लेंथ ऑफ ए सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अनदर सर्कल। वो कहता है कि सी एक कॉर्ड है एक सर्कल की, लेकिन वो दूसरे सर्कल का क्या है टेंजेंट, तो मेरे पास एक ही ऑल्टरनेटिव होता है कि दिस इज सी। यही होगा ना, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल पे क्या है टेंजेंट है। तो उन्होंने कहा है कि प्रूफ दैट D2 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। मुझे ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास ये सेंटर है, मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर ये पूरा सी है, मुझे पता है सेंटर से परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर सेंटर से मैं कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ किसी कॉर्ड पे, तो वो पूरी कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। इसका मतलब ये कितना हो गया C/2। अब ये बड़े सर्कल का क्या है रेडियस, अगर ये मेरे इसका डायामीटर मुझे दिया हुआ था कि
बड़े सर्कल का डायमीटर कितना दिया था? डी टू, तो इसका मतलब ये डी टू बाय टू हो गया। और ये छोटे सर्कल का क्या है? रेडियस, तो ये डी वन बाय टू। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? डी टू बाय टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब सबके स्क्वायर ओपन कर दे तो मेरे पास क्या आएगा? डी टू स्क्वायर बाय फोर, सी स्क्वायर बाय फोर और डी वन स्क्वायर बाय फोर। फोर सब में कॉमन लेके कटिंग हो जाएगा, वही आ गया जो मैंने प्रूफ करना था। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कुछ भी नहीं किया बेटा, ये तो बहुत इजी सम। डायामीटर दिया, ये पूरी लेंथ दी है डायामीटर की, तो जो रेडियस होगा वो उसका हाफ होगा, है ना? तो मैंने डी टू बाय टू कर दी। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास हो गए, डायमीटर दिया था छोटे सर्कल का डी वन, रेडियस नहीं है तो वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता ना। अब ये कॉर्ड पूरी की लेंथ नहीं दी थी, मुझे पता है सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो वो क्या हो गया? सी बाय टू हो गया। तो मेरे पास तो सी बाय टू। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया। और उसके बाद तो ओपन करके फोर क्या किया मैंने? कटिंग ही की है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पहले सारे एग्जांपल्स करवा रही हूँ, ठीक है? फिर हम लोग एक्सरसाइज जो दो छोड़ी है वो खत्म करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन टू। व्हाट दे हैव रिटन, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल व्हिच सी इज द हाइपोटेन्यूज। दे राइट हियर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, सी इसका हाइपोटेन्यूज है और ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स है, तो आप जहां मर्जी ए इधर ले लो, बी इधर ले लो, लेकिन सी इधर ही लेनी। और उन्होंने कहा है कि प्रूफ दैट द रेडियस आर ऑफ ए सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक मेरे पास सर्कल है जो ट्रायंगल के साइड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और इसका रेडियस भी मुझे बताया हुआ है कि आर है, द रेडियस इज आर, दैट इज रिटन हियर। ओके बेटा, अब उन्होंने कहा है कि प्रूफ कीजिए जो रेडियस आर है ना, दैट इज गिवन बाय ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये रेडियस ऐसे है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर सकती हूँ ना इस लाइन के पैरेलल। अगर ये आर है तो मेरे पास, मैं लेबलिंग कर देती हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये वैसे मेरे पास पूरी ए ही दी हुई है और ये पूरी बी और ये पूरी सी। अब ध्यान से देखना, इफ दिस इज आर तो मेरे पास ये भी डी ए भी कितना हो गया? आर। अब ये पूरी साइड ए दी है, मैं सी डी कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्या आएगी? ए माइनस आर, बिल्कुल करेक्ट। अगर ये ए माइनस आर है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी से, तो ये भी क्या हो जाएगा? सब कुछ लिखना है जो मैं बोल रही हूँ, है ना? करते हैं, भाग थोड़ा गए हम। अब ये आ रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, ये भी क्या हो गया? आर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जितना ये दोनों टेंजेंट्स है और वो इक्वल होंगे कि नहीं? अब आ जाओ इस पे, ये पूरी बी, ये आर और ये बी माइनस आर। ओके जी, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी, ये किसके इक्वल हो गया? बी माइनस,
पर हमने तो कहा था ये पूरी साइड क्या है, सी है, तो दैट मीन सी इज इक्वल टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। अब क्या बन गया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टू आर। अब आर वाली टर्म इधर ले आए, सी वाली इधर ले आए, तो टू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। सबसे पहला पॉइंट टेक्निकल है, टेक्निकल क्या, अब किसी बच्चे ने जैसे पहले ऐसे ड्रॉ कर दी थी रेडियस, अगर आपके माइंड में ना कि अगर मैं इसको टोटली ड्रॉ करूं जितना बार ये है उतना ही रेडियस ये नीचे होगा, तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो पाए। तो ये जब हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हमारे माइंड में सेट हो जाता है अरे कि इधर ले लो रेडियस, तो वो उसके इक्वल हो जाएगा और क्वेश्चन निकल बात बेटा। टू एवरीवन, कार्तिक के, चलिए बेटा नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है। ओके जी, जल्दी जल्दी जरा कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो, ठीक है ना, क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, चलो वो कर लेंगे हम, आज मैं जब चेक करूंगी संडे को चेक करूंगी ना ग्रुप में आंसर भेज, ठीक है, ओके चलिए, ओके जी यहां बता दूंगी जी। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं जी होगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्लीज सी, मेरे पास जो है फिगर, मैंने कहा है कि पहले तो फिगर ड्रॉ करें तो फिर देखते कि क्या फिगर में दिया हुआ है। प्लीज बेटा बी अटेंटिव, टी ओ ओ टी देन परपेंडिकुलर ओ एन बी ओ ए। चलिए बेटा व्हाट दे हैव रिटन, दे मेंशन दे जस्ट राइट इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी टी एंड अ लाइन सेगमेंट पी ए बी, पी पॉइंट पी टी और एक लाइन सेगमेंट पी ए बी जो है वो ड्रॉ किया गया सेंटर ओ, ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी है। उन्होंने कहा नाउ प्रूफ दैट फर्स्ट पार्ट जो है, मुझे प्रूफ करने को कहा पी ए इंटू पी बी दैट इज पी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर। अब मुझे यहां पर ये करने को कहा है, अब बेटा प्रूफ करने को कहा है, जब भी प्रूफ करने को कहा होता है तो कैसे मैं सोचती हूँ, मैंने देखा पी ए और पी बी ये दिया हुआ है और उसको चेंज किसने करना है, पी एन और इधर से ए एन में, इसका मतलब 100% क्योंकि मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर वो बात कर रहा है पी एन स्केयर माइनस ए एन स्केयर की, अगर मैं यहां से करूं पी एन स्केयर माइनस ए एन स्केयर, मेरे माइंड में आया ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा क्यों मेरे माइंड में आया कि ये मैं फॉर्मूला, मैं चलने को मैं इधर से भी इधर कर सकती हूँ, मैं इधर से भी इधर जा सकती हूँ, बट मेरे माइंड में यही क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि मैंने आंसर को प्रोडक्ट में लेके आना, तो मुझे बताया ए स्केयर माइनस बी स्केयर करूंगी ना तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में आएंगी, तो मुझे स्ट्राइक किया कि मैं उसको अप्लाई करूं। अब देखो जरा पी एन, ये पी एन इतना है प्लस ए एन, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे ए एन की जगह बी एन आ जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा पी बी। अब मुझे पता है कि ए एन और बी एन इक्वल है, क्यों इक्वल है, सेंडर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो दैट मींस मेरे पास जो है मैं ए एन की जगह पे
पहला स्टेप है कि मैं क्या कर दूं, बी एन रीजन लिखूं मैं। अगला चेक कर ले, अगर पी एन से मैं ए एन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, पी ए चलेगा ना, हमें आंसर में चाहिए। यहां तो सीधा ही पी ए आ गया, यहां मैंने रिप्लेस कर दिया, दिस इज पी बी इंटू पी ए, यही चाहिए था। अब कोई बच्चा अगर यहां से चलता ना, उसके बिल्कुल उल्टे स्टेप होने थे, बिल्कुल उल्टे। उसने पहले पी बी को ऐसे ब्रेक करना था, फिर उसने कहना था बी एन की जगह ए एन, और फिर उसने इसको पी ए को ऐसे ब्रेक करना था, फिर कहना था ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये तो उस टाइम आपका कैसे माइंड चलता है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ आई, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? लिख के एक बार प्रैक्टिस जरूर करा करो कैसे किए। हाँ वो तो जनरल एक पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट टू। व्हाट दे हैव रिटन इन द पार्ट टू बेटा? हाँ जी सक्षम, पहले वीडियो ऑन कीजिए। देखो बेटा मेरे पास हो गए, अगर मैं पी एन, पी एन यहां तक है पूरा, ओके, पी एन में से ए एन ये माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, पी ए ही बचेगा, और वही मैंने लिखा। ओके सक्षम, चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा पार्ट। इसका बिल्कुल वैसे ही है। अब उन्होंने कहा सेकंड पार्ट में व्हाट दे हैव रिटन टू प्रूफ, मेरे पास हो गए पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर दैट इज ओ पी स्क्वायर माइनस मेरे पास हो गए वो ओ टी स्क्वायर। अब जो मर्जी साइड आप लेके कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इधर वाली साइड ही लेके चले। ओके आई स्टार्ट फ्रॉम, मैंने पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब देखो जरा पी एन स्क्वायर, अगर मैं देखूं ये पी एन, ये है यहां पर एन था ना, ओके, तो पी एन स्क्वायर की जगह पे मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखूं ओ एन पी, तो बेटा मैं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने यहां पर जो है क्या लिखा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। अभी मैंने ए एन स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहने दी, मैंने पी एन स्क्वायर की जगह पे ये ओ एन पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहां 90 डिग्री, तो मैंने बेटा पी एन स्क्वायर की जगह पे आई राइट ओ पी स्क्वायर और माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं आंसर में देखूं, मेरे पास ओ पी स्क्वायर मुझे चाहिए, मेरे पास आ गया। अब मुझे ओ टी स्क्वायर चाहिए, अब मैं देखूं मेरे पास अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, एक मेरे पास है ओ एन स्क्वायर, ये है, और एक मेरे पास है ए एन, ए कहां गया हमारा, ये रहा ए यहीं पे था ना, हाँ जी। अब मेरे पास है ओ एन स्क्वायर और मेरे पास है ए एन स्क्वायर, अब इन दोनों की जगह पे मैं ओ ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ ओ पी स्क्वायर और मैंने इधर लिख दिया ओ ए स्क्वायर दोनों, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल जी, क्यों इक्वल है, बिल्कुल जी, क्या बात है लक्ष्य, कमाल ही कर दिया आज तो, ठीक है जी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई उसने कि दोनों रेडियस है, ठीक है, मैं आई एम बेटर अप्रिशिएटिंग, बात समझ आ गई बेटा, क्योंकि किसी ने नहीं बताई, लक्ष्य बताई है, इसीलिए मैं प्रेस कर रही हूँ, ठीक है जी,
नाउ द थर्ड पार्ट, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, थर्ड पार्ट करें बेटा। नाउ आई नीड टू प्रूफ द थर्ड पार्ट, और वो मेरे पास क्या है, पी ए इंटू पी बी दैट इज पी टी स्क्वायर। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, मेरे पास हो गए पी ए इंटू पी बी, देखिए पी ए और पी बी और किसके इक्वल आना चाहिए, पी टी स्क्वायर के। अब आपके माइंड में क्या आता है फटाफट, पी टी स्क्वायर में राइट एंगल लगा लो, ओ टी स्क्वायर और ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, फिर क्या करें, हमने पुराने दो पार्ट्स में अगर आप देखो मेरे पास तो गए, यहां से हम यूज कर सकते हैं रिजल्ट को क्लियर कट, दोनों जो प्रूफ किए हमने पहले, मेरे पास क्या था बेटा, पी ए इंटू पी बी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल था, ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। हाँ जी, यही पूछा क्या आया, तो यहां से दोनों सही आया, उसके बाद इसको क्या कर दो, चेंज कर दो, जो अभी विवान ने बोला, पहले इक्वेट तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है क्या, नहीं क्लियर जी, कोई डाउट तो नहीं, चलें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एट पी एंड एक्सटेंडेड द साइड ए एंड एसी क्यू एंड आर, कई बार सर्कल ही नहीं होता बट क्वेश्चन को देखिए, अगर वो वर्ड कहता ना कि एक सर्कल जो है इनसाइड होता, अगर एक सर्कल इनसाइड होता ना तो वहां लिखा होता वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, उसने यहां कहा है कि वो टच तभी कर रहा है अगर साइड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब एट ए टाइम सर्कल इनसाइड नहीं है, सर्कल हमारे पास हो गए फिगर, अगर ये है ये बी सी जहां पर वो टच, थोड़ी छोटी बना देते हैं, ये लीजिए ये ए ये बी और ये सी और हियर द एक्सटेंडेड साइड इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू एंड ए सी एट आर रिस्पेक्टिवली प्रूफ दैट ए क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये मुझे प्रूफ करना है, वेरी इजी टू प्रूफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरह, कैसे स्टार्ट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, फिर और अरे कॉन्ग्रुएंट कहाँ आ जाता है तू बेटा, कॉन्ग्रेंट क्यों करना, क्या दिया जो तूने कॉन्ग्रेंट कर, बिल्कुल बेटा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ओके, और ये पूरे का पूरा जो है हमारे पास ये इसके इक्वल, मैं एक साइड से स्टार्ट करूंगी और दूसरे में अपने आप मेरे पास बनता, बिल्कुल एडिंग कर देना, हाँ जी बी क्यू एंड सी आर थोड़ा मैंने इक्वल का, अरे वो तो मैंने ये बताया, ये ले बेटा एक से बना ले, ठीक है, अब बेटा देखिए मेरे पास क्या है,
सी आर दैट इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर नाम दे दे, ए बी सी पी कहीं नहीं दिया, बी यहां दे दो, कौन सा बी, हाँ वो भी ले सकते हो, हमें तो ट्रायंगल की देखा जाए तो ट्रायंगल को कंसीडर करना है, आप जैसे मर्जी कर लो, आप स्टार्ट ए क्यू से भी कर सकते हो, आप स्टार्ट ए क्यू से भी कर सकते हो बड़े आराम से, तब भी हो जाए, आप एडिंग करके भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। अब बेटा देखिए, सी आर जो है वो सी पी के इक्वल है, ओके, और मेरे पास जो है इधर आप सी पी लिख रहे हो ना, तो इधर बीपी आना चाहिए इसके साथ, तो बीपी ओके दैट इज इक्वल टू बी क्यू। अब बेटा ध्यान से, एक और मेरे पास जो है आप करोगे कि ए क्यू इक्वल टू ए आर, ठीक है बेटा। अब यहां पर जब आप ऐड कर रहे हो बेटा, आप एडिंग तो कर लोगे, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम ज्यादा हमारे पास टर्म हो गया पहले ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए क्यू पूरा नहीं चाहिए, आपके पास ए क्यू नहीं चाहिए, मुझे ए बी चाहिए, मुझे ए सी चाहिए, ठीक है, तो क्या करें पहले ही? बिल्कुल जी, माइनस बी क्यू कर दो, ए आर में से जो है मेरे पास जो है बी, बताने बेटे एक सेकंड, मैं आपको कुछ बताने लगी हूं, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस, तो इधर बीपी है तो आप बीपी करोगे, उसके बाद लिखोगे कि बीपी सीपी के ये जो है ये इसके इक्वल है, ओके, सीधा नहीं कर पाओगे, हम ये टुमारो वी विल डिस्कस, पूरा करेंगे क्वेश्चन, ओके।